हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस हम कॉलेज की बात करने वाले हैं, यूपी का मोस्ट वांटेड कॉलेज है, खासकर जो लोग एकेटीयू की काउंसलिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि एकेटीयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज का जो हमारा जिस कॉलेज का रिव्यू है वो है आईआईटी लखनऊ। और यहाँ पे यूपी के जितने भी लौंडे हैं जिनको आईआईटी या एनआईटी नहीं मिलता है, उनमें सबसे सब हर इंसान ये चाह रहा है आजकल कि आईआईटी में सीएस मिल जाए, अगर वो आईआईटी या एनआईटी में नहीं जा पा रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज ऑफ एकेटीयू। अभी ये नंबर वन पे चल रहा है एकेटीयू में और यहाँ पे सीएस की प्लेसमेंट या आईआईटी या ईसी की प्लेसमेंट तो भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत औसम है। इसी के सीरीज़ में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अपने भाई से, प्रांजल भाई से, जो वहीं से बीटेक कर रहा है, बीटेक फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। इनका इस बार प्लेसमेंट भी अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, पेटीएम में 16 लाख का पैकेज मिला है इनको। तो इसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आपको, और आप हमारे छोटे भाइयों को बताइए कि कैसा है कॉलेज। फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन वी विल स्टार्ट फॉर द। ओके, सो हेलो गाइस, आई एम प्रांजल पाल एंड आई एम पर्सुइंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ एंड आई एम इन सीएसई ब्रांच। आई एम करंटली इन फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज एंड आई एम करंटली बेस्ड इन पेटीएम एट 15 लाख सिटी। ओके गाइस, तो आपने सुना है इन्होंने पेटीएम में अच्छा खासा प्लेसमेंट पा गए हैं, तो ये बात तो बहुत ही अच्छी है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि इसका मतलब है कि आईटी में अभी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। 16 लाख, दिस इज द बहुत ही अच्छा है, दिस इज हैंडसम अमाउंट फॉर अस, और खासकर सीएससी का प्लेसमेंट तो पूछो ही मत। तो आज हम इनसे बातें करेंगे और आईटी के बारे में सब कुछ जानेंगे, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट आईटी। तो वीडियो में बढ़ने से पहले प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू फॉर कॉलेज इन्फॉर्मेशन एंड काउंसलिंग। और काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम से डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि हर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। इससे पहले मैं एक ट्रिपल एम यूटी के आईटी के भाई के साथ बनाया था जिसपे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा प्यार दिया और आप लोगों ने आईटी पे रिव्यू बनाने की बात करी। तो हम आईटी पे आ चुके हैं। इसके बाद अगर आप किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज योर वन सब्सक्राइब इज वन सपोर्ट। ओके, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्ट सारे बच्चों का डाउट है कि आईटी से रिलेटेड या किसी भी कॉलेज से रिलेटेड लगभग हर बच्चे का डाउट है, और हम उन सारे क्वेश्चंस को भाई से पूछते हैं और वो हमें एक हॉनेस्ट रिव्यू देंगे क्योंकि हम इसी की बात करने वाले हैं। तो गाइस, डोंट मिस दिस गोल्डन चांस, और आईटी में एडमिशन लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको आज के अपने गेस्ट के बारे में बताऊं, तो ये ऑलरेडी इन्होंने जैसा कि बताया, दिस इज़ प्रांजुल पाल और ये फाइनल बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जो सीएससी से इन्होंने अपना बीटेक करा हुआ है और इस बार ये पेटीएम में प्लेस्ड भी हो गए हैं, वो भी एक हैंडसम सैलरी पर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बताना चाहूँगा आपको एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो भैया, जो एडमिशन प्रोसेस है वो है अभी जेई मेन से। अब जेई मेन्स आपको पता है, पहले एकेटीयू अपना खुद का एग्ज़ाम लेती थी और अब जो उसका एग्ज़ाम है ना वो हो गया है ख़त्म। अब अपना यूपीएस ट्रिपल ई ख़त्म कर दिया और बोलिए कि हम जेई मेन से एडमिशन लेंगे। अब जो लोग जेई मेन दिए हैं उनको क्या करना है एडमिशन लेने के लिए, एकेटीयू की काउंसलिंग करानी है जिसका फॉर्म आ चुका है और एकेटीयू में रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो आप एकेटीयू में जाओ, रजिस्ट्रेशन करो काउंसलिंग, और काउंसलिंग में आईटी को ऐड कर लो। वहाँ पे आईटी को जब चॉइस फिल करना है तो आईटी को फिल कर देना और वहाँ से आपके रैंक के आधार पे एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा एडमिशन प्रोसेस कि एकेटीयू की रजिस्ट्रेशन से होगा, उसके लिए आपको जेई मेन जरूर क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। जो लोग इस बार जेई मेन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे वो एकेटीयू में इस बार काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। तो ये तो पहली बात हुई, और दूसरी बात है कट ऑफ की। तो भाई आईटी की जो कट ऑफ है ना, जो सीएससी की कट ऑफ है, 42-45 के अंदर बंद हो जाएगी, ठीक है। और आईटी और सीएससी 50 के अंदर बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आपके 85
प्लस भी परसेंटाइल आ रहा है तो कोई ब्रांच मिलने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और अगर कोई आप ठीक ठाक सिविल या फिर मैकेनिकल या उससे आगे का ब्रांच आते हैं तो आपके 90 प्लस परसेंटाइल तो होने ही चाहिए। हाँ, अगर आप एससी एसटी कोटे से हैं या फिर फी या फिर आप आर्म्ड या हैंडीकैप्ड कोटे से हैं तो आपका कम में भी एडमिशन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कट ऑफ पे डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा। अभी तो भाई के साथ हम लोग रिव्यू लेने आए हैं। अब मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा भाई से कि भाई आप सबसे पहले आईआईटी की में बताइए फी वेवर सीट है या नहीं है, क्योंकि एकेटीयू के लगभग हर कॉलेज में फी वेवर सीट है, तो आपके यहाँ सीट फी वेवर सीट का क्या है मसला? हाँ जी हाँ, यहाँ फी वेवर सीट है, हर ब्रांच में है। ओके, तो भाई ने बताया कि यहाँ पे भी फी वेवर सीट है हर ब्रांच पे है। और मैं आपको बता दूँ कि फी वेवर सीट के लिए एलिजिबल कौन है। हर वो इंसान एलिजिबल है जिसकी इनकम 5 लाख से कम है। तो जिनकी इनकम 5 लाख से कम है वो फी वेवर सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बात बड़ी बात यह है कि अगर आप फी वेवर सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ये थोड़ा ध्यान में रखना। लेकिन फी वेवर सीट में फ़ायदा यह है कि आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। फी में ट्यूशन फीस बस माफ़ होगा, ये ध्यान रखना, बाकी चार्जेस लगेंगे। अब फीस की बात चली रही है तो मैं प्रांजल भाई से पूछूंगा कि फीस कितनी है भाई, आईआईटी की फीस कितनी है अगर आप कोई नॉर्मल एडमिशन ले रहा है तो? जी हाँ, तो आईआईटी की ट्यूशन फीस अप्रॉक्स 85,000 है पर ईयर। 85 के पर ईयर? हाँ, एंड हॉस्टल फीस अप्रॉक्स 14 के पर ईयर। 14 के है पर ईयर जी भाई। और मेस का चार्ज? मेस की फीस होगी 17,000 और 6 मंथ। ओके, 6 मंथ्स का। तो अगर आप देख सकते हैं इससे एंड में कुछ रिफंड भी हो जाता है। अच्छा, एंड में कुछ रिफंड भी हो जाता है। ओके ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में आया है, एडमिशन लेना चाह रहा है आईटी में, तो उसे कितने का एस्टिमेट, अपना कितने का बजट बना के चलना होगा? 1.5 लाख 1.5 लाख का आपको बजट बना के चलना होगा अगर आप आईटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो। और साथ में अच्छा एक बात ये बताइए, जो 85 की है वो क्या एक ही बार में जमा करना होता है या फिर बच्चे मतलब पार्शियल जमा कर सकते हैं? हाँ, एक बार में जमा कर सकते हो और शायद ईएमआई के जैसे आप कुछ में जमा कर सकते हो। अच्छा, और अगर कोई लोन लेना चाहे तो लोन का कोई प्रोसेस है आपके यहाँ कॉलेज में? कॉलेज नहीं नहीं है, आप बाहर बैंक से अप्लाई अच्छा, कर सकते हैं। अच्छा, बाहर बैंक से ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो 1.5 के आपको लेके चलना पड़ेगा इतने का, लेकिन ये है कि इसमें आपको 55,000 के आसपास, 55 से 60,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप में इतने पैसे आपको रिटर्न मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो फीस तो थोड़ा सा महंगा है लेकिन क्वालिटी भी भाई यहाँ की बढ़िया है, ठीक है। और भाई ने अभी प्लेसमेंट से ही गुजरे हैं तो मैं इनसे प्लेसमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहूँगा कि प्रांजुल भाई प्लेसमेंट कैसा है आईआईटी लखनऊ का? तो मैं अगर सी एस ब्रांच की बताऊँ, सी एस आई टी एंड ए सी ब्रांच की बताऊँ, इसका 7 to 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट होगा। हाँ हाँ, एंड मेनली जो टेक कंपनीज होती हैं वो इन्हीं 3 ब्रांच के लिए आती हैं और बाकी कंपनीज जो बाकी ब्रांचेस के लिए भी आती हैं, उनका कुछ 7 लाख का पैकेज होगा। 6 to 7 लाख ओके, अदर का? हाँ, लाइक टी सी एस जैसे आई टी, टी सी एस का अप्रॉक्स 3 to 4 लाख। ओके, ये तो मास रिक्रूट करती है, ये तो हाँ। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हर कॉलेज हाँ। में लगभग ये लोग पहुँच जा रहे हैं। हाँ, 3 to 4 लाख। एंड अभी बाकी ब्रांचेस में ज़्यादा कंपनी आई नहीं है। अच्छा, बाकी ब्रांचेस में ज़्यादा कंपनी नहीं है, मतलब कुल मिला जुला के अगर ये 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में ज़्यादा प्लेसमेंट है और यहाँ पे कंपनीज के आने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, और आपके यहाँ इस बार का हाईएस्ट कितना रहा? अभी तक का हाईएस्ट हुआ है 16 लाख, जो अभी पेटीएम ने। अच्छा, पेटीएम ने दिया है 16 लाख। हाँ भाई, फिर मतलब आप ही रहे हाईएस्ट वाले, वाह भाई, बहुत बढ़िया भाई, काफ़ी अच्छा रहा आपका। तो देखो गाइस, इस बार का 16 लाख रहा ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस तो होता रहता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, कोई बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह? जी हाँ, तो ऑफ कैंपस हमारे एलुमनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी हैं और गूगल में भी हैं। हाँ हाँ, अच्छा ऑफ कैंपस है, ऑन कैंपस थोड़ा सा मुश्किल है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके। तो भाई ने बताया कि थोड़ा सा ऑन कैंपस जो है
कम आती है, लेकिन ऑफ कैंपस इनका होता है प्लेसमेंट। तो ओवरऑल प्लेसमेंट इसका देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, गुड है प्लेसमेंट, वेल एंड गुड है। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी ब्रांच मिले तो भाई बहुत बढ़िया है। अच्छा, सिविल मैकेनिकल केमिकल में क्या है, मतलब प्लेसमेंट साफ ही नहीं है या कम है? प्लेसमेंट कम है। अच्छा, प्लेसमेंट कम है। अच्छा, अगर सिविल मैकेनिकल या फिर केमिकल वगैरह का है और अगर वो चाहे गेट की तैयारी करना, तो आपके यहाँ कैसा माहौल है गेट के लिए? क्या कोई मतलब कोई बड़ी कोचिंग? हाँ, आस पास कोचिंग है, मेडिजी है, मेडिजी है और कोई है जिसका मुझे नाम नहीं आता, और बाकी कॉलेज के अंदर भी कुछ क्लासेस चलती हैं। अच्छा, कॉलेज के अंदर वो प्रोफेसर ही लेते हैं क्या क्लासेस आपके? शायद किसी कोचिंग के साथ कोलैबोरेशन है। अच्छा, किसी कोचिंग के साथ कोलैबोरेशन। अच्छा अच्छा अगर और आपके यहाँ क्लब वगैरह का क्या है, मतलब कोडिंग क्लब जैसे बहुत कॉलेजों में होता है या फिर? हाँ, तो हमारे यहाँ कोडिंग क्लब भी है, रोबोटिक्स क्लब भी है। अच्छा, रोबोटिक्स और भी क्लब्स हैं, मेनली ये दो क्लब ज़्यादा फेमस हैं, रोबोटिक्स क्लब। अच्छा, ज़्यादा फेमस है, यहाँ से बच्चा जाके कुछ भी सीख सकता है। हाँ, और फैकल्टी और फैसिलिटी कैसी है आपके यहाँ की? फैकल्टी हाँ ठीक है, मतलब उनसे आप पूछेंगे वो बता देंगे, ऐसी फैकल्टी है, पी एच डी वगैरह की हुई है उन्होंने, तो उन्हें नॉलेज है। एंड फैसिलिटी की बात करूँ मैं तो कॉलेज में वाईफाई होता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, पर वाईफाई लगे हुए हैं, और थर्ड ईयर फाइनल ईयर के हॉस्टल्स में लैंड भी लगा हुआ है। और स्पोर्ट्स के लिए आपको बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा हॉस्टल में। एंड कैंटीन है, एक कैंटीन है कॉलेज में। और लाइब्रेरी वगैरह का क्या है, मतलब लाइब्रेरी बुक्स वगैरह इजीली मिल जाती है? लाइब्रेरी है, वहाँ से आप बुक इशू करा सकते हैं, आपका लाइब्रेरी कार्ड बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप बुक इशू करा सकते हैं। हॉस्पिटल है। अच्छा अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ जैसे हॉस्टल में फूड वगैरह का या फिर मतलब साफ़ सफाई का कितना ध्यान दिया जाता है, जो कि आजकल कॉमन मतलब बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होता है, हमें भी ये जानने की बहुत चुल मची थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो कि हॉस्टल कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, रैगिंग होता होगा कि नहीं होता होगा, सीनियर कैसे क्या करते हैं, क्योंकि आपने छिछोरे तो देखा ही होगा और बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, तो कैसा है मतलब रैगिंग वगैरह का क्या माहौल है, फूड कैसा है हॉस्टल में रहने का, सीनियर और जूनियर के साथ कैसा कम्बिनेशन है? हाँ, तो यहाँ पे सीनियर जूनियर से काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन रहता है, रैगिंग का यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है बिल्कुल भी। एंड आप और क्या फर्क फूड का, फूड फूड आपके हॉस्टल की फूड कैसी है? तो फूड मैं कहूँगा कि सेकेंड ईयर तो हॉस्टल का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बाकी फर्स्ट ईयर का ठीक ठाक था, एंड थर्ड ईयर फाइनल का काफ़ी अच्छा। अच्छा, काफ़ी अच्छा था। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूँ जैसे कि मतलब क्या सीनियर और जूनियर में मतलब क्या सीनियर सपोर्टिव होते हैं, जैसे मतलब इंटर्नशिप में अपने छोटे भाइयों की हेल्प कर देना वगैरह, या फिर और सारे कामों में मतलब क्या सपोर्ट करते हैं, या फिर मतलब कैसा रहता है? हाँ, सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, एक्चुअली मेरे ब्रांच से तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सही चल रहा है माहौल यहाँ पे। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ की सोशल लाइफ कैसी है? क्योंकि हॉस्टल इंजीनियरिंग एंजॉय करने के लिए ही जाना जाता है कि हॉस्टल में जाके एंजॉय करेंगे, कॉलेज लाइफ जिएंगे, तो कैसा आपको लगा आपके चार साल की जर्नी में कि हमने कैसा आपने कैसा जिया, कि मतलब आप कितने सेटिस्फाइड हो कि ये चार साल जो था, वो लोग कहते हैं गोल्डन चांस होता है इंजीनियरिंग में। हाँ, तो जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो यहाँ टेस्ट वगैरह लगते हैं, अलग अलग ब्रांचेस के टेस्ट होते हैं कॉलेज में ही। हाँ हाँ, और मीडियम नाइट थी, दोनों ही चालू थी, फिर तो लॉकडाउन हो गया था तो मुझे उसका ज़्यादा पता नहीं उसके आगे। एंड आस पास यहाँ घूमने फिरने का सही है, लखनऊ है तो आप घूम फिर सकते हो आस पास, एंड कॉलेज के पास चीज़ें थोड़ी सस्ती भी मिल जाती हैं, बाहर और हजरतगंज साइड आप जाओगे तो महंगा मिलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ओवरऑल अगर कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेना चाहे और अगर उसे सी एस सी आई टी आई एस सी मिल रहा है, ई सी मिल रहा है, तो ये उसके लिए ग्रेट चॉइस होगा अदर कॉलेज के कंपैरिजन। हाँ, ये ब्रांचेज अच्छी है ना। और मतलब अगर मैं जैसे आप क्या मतलब इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने रैंक तक किस बार एडमिशन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके टाइम तो काफ़ी सी एस तो 1000 के अंदर ही मतलब 500 के अंदर ही बंद हो जाता है, जब पहले यू पी टी यू होता था तो उस टाइम तो हम लोगों ने देखा कि 500 के अंदर ही बंद हो जाता था, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, जे इसे कितने रैंक तक मैक्सिमम जा सकता है? मैं बिल्कुल ठीक नहीं रह सकता। हाँ, क्योंकि आपके टाइम कुछ और माहौल था
और अभी तो बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल ये बात सही कही। लेकिन मैंने जो बताया भाई गाइस 42-45,000 तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। पर अगर आपके पास कोई कोटा है तो वेल एंड गुड, तो ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अगर आपके पास कोटा है तो आपका हो जाएगा आराम से एडमिशन, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अच्छा, एस सी एस टी वालों में फीस का कुछ रिलैक्सेशन है? अच्छा, उनकी स्कॉलरशिप ज़्यादा है। कितनी आ जाती है उनकी स्कॉलरशिप? 85-90,000 बहुत ज़्यादा आ रही है भाई। फिर तो एस सी एस टी वालों के लिए मतलब बढ़िया मज़े है। लगभग 1,00,000 मान लो, 10,000 और डाल लो, 1,00,000 हो गया है ना। फिर तो उनका भी बहुत ही अच्छा था। तो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट रिव्यू था जो हमारे प्रांजल भाई ने दिया। ये अभी फोर्थ ईयर में पढ़ रहा है। तो गाइज, अगर आपको किसी भी कॉलेज का रिव्यू चाहिए ना, तो यार कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछना भूल गया प्रांजल भाई से, तो कमेंट बॉक्स में तुम पूछो यार, तुम पूछो, हम रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से कहूँगा गाइज, वीडियो चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा प्यार तुम भी दो, थोड़ा सा प्यार हम भी देते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ही तो वर्क कर रहे हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आपको किसी भी कॉलेज के काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो डायरेक्ट टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज फॉलो करके मैसेज कर लो, या फिर तुम डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी प्रोसेस अपनाओ, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे यार। अपने छोटे भाइयों की हेल्प के लिए हम बिल्कुल ही तत्पर है, ठीक है। अगर उसके अलावा आईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लेसमेंट का तो मैं भाई ने पूरा खुल के बताया, क्योंकि भाई इस बार वहीं से थे। इसके अलावा फैकल्टी फैसिलिटी तो सब बता दिया। अगर आपको कटअप पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे बोलना, हम कटअप पे वीडियो बना देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बार लाइक कर दो यार, और कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन पूछो। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।